अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स जैसे कि आपको बता रहे हैं IEEEP की 13th फेयर में हम मौजूद हैं 2024 के, और जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं वो GIS के स्टॉल पे मौजूद हैं। GIS सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्टॉल है ये, और हम जिनसे बात करेंगे मोहम्मद इरफान खान साहब हैं जो कि कंपनी के CEO हैं, और जानते हैं हम इनसे। सबसे पहले एक्सपो का रिस्पॉन्स पूछते हैं और फिर इनके बारे में और भी बात करेंगे। जी सबसे पहले तो इरफान साहब बताएं क्या एक्सपो का रिस्पॉन्स। जी वालेकुम सलाम मोहम्मद इरफान। एग्जीबिशन में क्राउड है, लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली IEEE जो है उस पर ऑलरेडी इंजीनियर्स को इन्विटेशन जा चुका होता है। IEEE पे जो ना ऑलरेडी उसका इन्विटेशन जाता है, और इन्विटेशन के थ्रू हम बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज को इन्वाइट करते हैं, नए इंजीनियर्स को और पुरानी कंपनीज को, उनको बताते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से। क्यों ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो इसमें उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना हम फोकस कर रहे होते हैं कि जो नई चीज़ें आ रही हैं या जो इंस्टॉल चीज़ें हैं उनके आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट के ऊपर। अच्छा इरफान साहब ये भी बताएं कि आप फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल वगैरह किया है या कि पहले से करते हुए आ रहे हैं अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से, और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि अपनी कौन सी सर्विसेज आप जो यहाँ पे बता रहे हैं या प्रोडक्ट्स के हवाले से बता रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बताएं हमारे व्यूअर्स। हाँ जी, वैसे तो GIS फाइनेंस सिक्योरिटी 2017 से वर्क कर रही है, बट IEEE में जो है ना हमारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट है, और बहुत इसरार के बाद कि ये एक अच्छा इवेंट होता है और काफ़ी इसमें लोग इन्वाइट होते हैं, तो इसलिए हमने इस पर फोकस किया फर्स्ट टाइम IEEE के ऊपर। और हम आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट पे बिलोंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स की इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, उसका बैकअप सपोर्ट, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अपने क्लाइंट की जो सर्विस मेंटेनेंस है उसको हम ज़्यादा लीड कर रहे हैं इसके। अच्छा तो ये सर्विसेज के आपके टारगेट कस्टमर कौन से, यानी टारगेट मार्केट आपकी क्या है, इसके बारे से बताएं। जी हमारे पास तो कॉर्पोरेट क्लाइंट सेक्टर होता है, उसमें रिटेल मार्केट्स हैं और उसमें स्टोरेज हैं, उसके अंदर हमारे पास बैंक ऑफिसेज हैं, हमारे पास वॉक इन कस्टमर भी होता है, लेकिन हमारा ज़्यादा टारगेट कॉर्पोरेट कस्टमर होता है। एजुकेशन सेक्टर हमारे पास है, और इस तरह इंडस्ट्री के अंदर जो है ना हम नेशनल रिफाइनरी की मेंटेनेंस कर रहे हैं फार्म सिस्टम की अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह और कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हम रिफाइनरी मेंटेनेंस करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा GIS सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर उससे किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करती है, तो इसके बारे में थोड़े से बताएं। सर जिस तो अल्लाह की याद में हमारा कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर को सर्टिफाइड करें, उनकी प्रोडक्ट्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को एक अच्छे अंदाज़ में, स्मूथ अंदाज में हम वो कराएं। इसके लिए हमने बहुत सारे गैजेट यूज़ कर रहे हैं, और एक हमारे पास गैजेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छोटा सा। ये फायर सेफ्टी सेंसर्स के लिए स्टिक जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारा स्मोक सेंसर की टेस्टिंग स्टिक है, तो हम ये स्टिक हम यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर सेंसर हाइट के ऊपर होता है। तो ये स्मोक स्प्रे टेस्टर किट की स्टिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी इसमें इन मैन पावर कम यूज़ होती है, इस सेंसर के करीब जब जाती है तो इसके बाद ये स्मोक खुद ब खुद जनरेट करना शुरू कर देता है। ये स्मोक सेंसर को टेस्ट करने के लिए ये किट हम यूज़ करें, एक यूनिक फीचर है सेंसर टेस्टिंग। इसी के अंदर हीट का भी ऑप्शन है, अगर आप हीट डिटेक्टर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हीट का बटन दबाएं, और ये हीट को जो ना ये आप हीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हीट डिटेक्टर आपका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह की चीज़ें हैं, हम जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्थ सेफ्टी की रिपोर्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं कि सेंसर किस वक्त एल्गोरिथम क्या है, उसकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई की जाती हैं। तो अगर आप सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ की रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, फिर उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को दे सकें यह वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा इरफान साहब सबसे बड़ा जो एक मार्केट में इशू रहता है वो आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से रहता है, लोग प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी बेच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जिसकी बहुत अच्छी होती है वो दरअसल मार्केट में रन करती है, तो आप अपने बारे में बताएं कि आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से आप क्या कहते हैं। जी हमारी टीम है आपके सामने, टीम काफ़ी लोग हमारे स्टॉल पर हैं, ये हम आफ्टर सेल सर्विस में हमारे जो प्रोडक्ट से ट्रेंड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे पास, और ख़ुद में हमारा मेरा अपना जो ना मल्टीपल टाइम्स कंपनीज में काम करते हुए तकरीबन 20 साल टू डिकेड्स हो चुके हैं हम इस प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हनीवेल है, एसर है, और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जेंट हो चुकी है, जेंट फायर अलार्म सिस्टम, इन ब्रांड्स पे हम फायर अलार्म में हम काम कर रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट की सपोर्ट सर्विस भी अच्छी है और प्लस हमारे पास का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। अच्छा लास्ट में अपने मेन प्रोजेक्ट्स बताएँ आपने।
جی ابھی ہمارے پاس جو ہے نا فائر الارم سسٹم امتیاز کے سوری ہمارے پاس چیزب کے اسٹورز ہیں، چیزب کے اسٹور کی مینٹیننس کا کام ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی گرین لائن بس کا پروجیکٹ تھا، اس کی ہم نے انسٹالیشن ٹیسٹنگ کمیشننگ کی، انڈر پاس کا پورا پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے ہوچکی کا فائر الارم سسٹم ہم نے ڈلیور کیا، الحمد للہ اسموتھلی رن کر رہا ہے۔ ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے نا ریفائنریز کا ہم نے جیسے آپ کو بتایا نیشنل ریفائنری، اس کے مینٹیننس سروس کر رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس پورٹ قاسم کے اوپر پروجیکٹس ہیں، انڈسٹری کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، تو پیکیجز پلانٹ ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں انسٹالیشن کا، یہ ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس میں سے۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، ویورس اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجین پوسٹ کو سبسکرائب کریں، تھینک یو۔